मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल, जो कुछ भी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में। छात्रगण आप सबों का, और रीजनिंग के अगले पड़ाव पर आपको ले करके चलना है। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हम सब छात्रगण अपने कोडिंग डिकोडिंग के अहम पड़ाव पर हमने पूरी चर्चाएं करी है, और तकरीबन आपको मुझे लगता है कि 6 से 7 टाइप के बाद उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेकर के सारा कुछ जो है कोडिंग डिकोडिंग का चला है। और उसके बाद बैंकिंग के बच्चों के लिए 2-3 उसमें और एडवांस कोडिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन एसएससी रेलवे के बच्चों के लिए नहीं है ना, बैंकिंग के बच्चों के लिए। तो चलिए, ओवरऑल आज हमें पूरे अपने क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत की बारी है, नए चैप्टर को शुरू करने का इंतजार करना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहद बेहद अहम टॉपिक परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और तकरीबन किसी भी परीक्षा में तकरीबन 2 से 3 प्रश्न छात्रगण इस चैप्टर से होते हैं। और चैप्टर है आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही प्यारा विषय, और वो है आपका ब्लड रिलेशन, अर्थात खून का रिश्ता। 5 मिनट में इस चैप्टर पे हम बच्चों को मास्टर बनाते हैं छात्रगण, और 5 मिनट में हम आपको वही मास्टर बनाएंगे। आप मेरे पास बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता है। आपको अभी हम 5 मिनट में इस चैप्टर पे आपको मास्टर बनाएंगे। आइए पूरी तरह से शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार चैप्टर का। चैप्टर नंबर कोडिंग डिकोडिंग के बाद अपना चैप्टर हेडिंग क्रिएट कर लीजिएगा, रीजनिंग के अलग टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। देखिए पूरी कहानी क्या चलती है छात्रगण ब्लड रिलेशन की, वो आपको मैं यहाँ पे कहते हुए चलूँ। देखिए ब्लड रिलेशन की जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इन सभी जगहों पे जहाँ कुछ भी इसके प्रश्न होते हैं, कुल तकरीबन 4 टाइप इसके हैं। चारों टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। पहला टाइप बहुत ही कॉमन होता है, सेकेंड टाइप किसी फोटोग्राफ को इशारा करके बोल रहे होते हैं वो होता है, थर्ड टाइप कोडिंग पे ब्लड रिलेशन होते हैं, और फोर्थ टाइप जो होता है वो पजल पर होता है। इसी चीज़ से पूरी 4 टाइप से हमारी सजी रहेगी हमारी ब्लड रिलेशन का टॉपिक छात्रगण। लेकिन ब्लड रिलेशन पर किसी भी बच्चा को मास्टर होने के लिए उसे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, और वो यही है कि वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरह से जाने। रिलेशनशिप जानने का मतलब हो गया कि वो यह निश्चित रूप से जाने कि भाई मौसी किसको कहते हैं, चाची किसको कहते हैं, ताई किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, ये सब उसको एकदम जानना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानते हैं कि मौसी किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं, तो शायद ये चैप्टर बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि एटलीस्ट ये सब रिलेशनशिप आप अपना चैप्टर जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इन तमाम चैप्टरों के ये सब जो कंसेप्ट हैं आपके कि मौसी, बुआ, ताई, ये उसके बाद आपके दीदी, जीजा जी, सास, ससुर, ये सब कौन होते हैं, कौन से रिश्ते को ये सब कहा जाता है, साढ़ू, ये सब आंसर होते हैं पूरी तरह से। चाहे आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, चाहे हिंदी में, वो सब यहाँ पे हम नहीं आपको बता पा रहे हैं, है ना। सीधे सीधे अटैक करेंगे कि सर खून के रिश्ता का कोई भी प्रश्न आएगा, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हम सब इसको कैसे लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसी पर आपको सबसे पहले फोकस कराना है मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूरे ब्लड रिलेशन चैप्टर के दौरान आपको अपने निगाह पे रखना है, अपने अंदर में रखना है, और वो ये है कि पूरे ब्लड रिलेशन के चैप्टर को, पूरे ब्लड रिलेशन के टॉपिक को आप एक फैमिली ट्री ग्रुप में स्केच करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन पे मास्टर बनने के लिए आपको फैमिली ट्री खींचना आना चाहिए। उसी चीज़ की सबसे पहले आपको हम आज सबसे पहले आज आपको वही चीज़ सिखाएंगे, है ना, कि हाउ टू स्केच फैमिली ट्री, हाउ टू स्केच फैमिली ट्री। एक पारिवारिक पेड़ का निर्माण हम सब कैसे करेंगे, वो जो बच्चा सीख जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं छात्रगण कि इस पूरे टॉपिक पे वो मास्टर बन सकता है। इसका मैं आपकी बातें कर लूं। तो आइए जानते हैं कि कैसे खून के रिश्ते के तहत में, हाउ टू स्केच ए फैमिली ट्री, कैसे हम लोग एक पारिवारिक पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, और किस आधार पर पारिवारिक पेड़ बनाए जाते हैं, ब्लड रिलेशन में पारिवारिक पेड़ का महत्व क्या है, ये जानिएगा। देखिए ये एक फैमिली ट्री के बारे में आपको बता दें कि यह एक पेड़ है, यह एक पारिवारिक पेड़ है। इसमें फ्रूट्स नहीं फलते, इसमें बेटा, दादा, दादी, नाना, चाचा, चाची, ये सब फलते हैं, और इसी के आधार पर यह चैप्टर मेरा आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको करना क्या है,
ब्लड रिलेशन में जो फैमिली ट्री बता रहे हैं इसके तीन चार आम रूल अभी पढ़ाएंगे। तीनों चार रूल को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, पूरी तरह से आपको एकदम रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। जब आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, इस रूल के सहारे आप जो है पूरी तरह से इसमें छा सकते हैं छादगन, बरसते आपको फैमिली ट्री खींचना आना चाहिए। और अभी खींचने के लिए हम सिखाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार प्रैक्टिस कीजिए घर में। अगर आपने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया तो ब्लड रिलेशन पर आपको मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए हाउ टू स्केच ए फैमिली ट्री में रूल नंबर वन की ओर आपको लेकर के चलते हैं। रूल वन, ठीक है, रूल वन कहता है ना, रूल वन कहता है माता पिता, माता पिता तथा बच्चे, माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को, माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को दिखाने के लिए, माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए तिरछी रेखा, तिरछी रेखा इस प्रकार की रेखा है ना, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा का प्रयोग, तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है, तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जब हम यहां माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को दिखाएंगे तो वहां तिरछी रेखा का प्रयोग करिएगा। कैसे, वो अभी दिखाते हैं, एकदम एक एक ठोका एग्जांपल क्रिएट करेंगे, समझाते चलेंगे। कहता है कि राम मोहित का पिता है, राम मोहित का पिता है, ओके, राम मोहित का पिता है। तो राम यहां पर क्या हो गया, पापा हो गया, और मोहित क्या हो गया, बेटा हो गया इनका। तो देखिए, माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को दिखाने के लिए तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जिसको स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। माँ बाबूजी को हमेशा याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन के जब भी आप स्केच बनाइएगा माँ बाबूजी को हमेशा ऊपर रखिएगा। तो राम हो गया ऊपर और मोहित कहाँ हो गया, नीचे हो गया। हमेशा देखिए ब्लड रिलेशन में चीज याद रखिएगा, माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को दिखाने के लिए तिरछी रेखा का प्रयोग किया था, हमने तिरछी रेखा का प्रयोग कर दिया। आप सीधा भी रेखा का प्रयोग करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो राम और मोहित के रिश्ते को दिखाने के लिए, चूंकि राम पिता है, राम मोहित का पिता है, ये तो लिख रहा है स्पष्ट, तो मोहित के पिता को दिखाने के लिए राम हो गए। राम को दिखाने के लिए माँ बाबूजी हमेशा ऊपर में रखे जाएंगे। इस बात का बच्चे अच्छे से तरह से याद रखें, माँ बाबूजी हमारे हमेशा से गार्जियन हैं, आदरणीय हैं, हमेशा माँ बाबूजी ऊपर रखे जाएंगे और उनके बाल बच्चे कहाँ रखे जाएंगे, नीचे। तो राम ऊपर हो गया और मोहित क्या हो गया, नीचे। तो राम मोहित का पिता है, राम पिता हो गया, मोहित उसके नीचे हो गया। ये एक रूल हो गया, एकदम रूल याद कर लीजिएगा। माता पिता तथा बच्चे के रिश्तों को दिखाने के लिए कैसी रेखा का प्रयोग किया जाता है, तिरछी रेखा का, यानी कि स्लैंटिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। और दिमाग में बैठा करके रखिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि सारा कुछ आपका निकलता चला जाएगा। ये रूल नंबर वन हो गया। अब आपको रूल टू की ओर लेकर के चलेंगे। रूल टू भी बहुत आसान है, तीन चार हम रूल पढ़ा रहे हैं बस। अगर आपने ये पूरा रूल सीख लिया और फिर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ब्लड रिलेशन पर आप मास्टर बनने से कोई नहीं रुकेगा। रूल नंबर दो ब्लड रिलेशन का कहता है कि भाई बहन, भाई बहन, हम ऑब्लिक डाल देते हैं, कुछ भी रहे, भाई भाई रहे, भाई भाई, बहन बहन, बहन बहन, हाँ समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए, के रिश्ते को दिखाने के लिए, के रिश्ते को दिखाने के लिए खंडित रेखा, खंडित रेखा, इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, डॉटेड लाइन, खंडित रेखा, यानी कि डॉटेड लाइन इस प्रकार का खंडित रेखा। तो भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए खंडित रेखा, डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। एकदम याद रखिएगा इस चीज को कि भाई बहन रहे रिश्ता में, कोई भी क्वेश्चन में भाई बहन रहे, भाई भाई रहे, बहन बहन रहे, इनके रिश्ते को दिखाने के लिए खंडित रेखा का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे होगा, देख लीजिए, एग्जांपल लेते हैं। कहता है राकेश मीना का, राकेश मीना का भाई है। मान ली कोई क्वेश्चन अभी आएगा जिसमें एक रिलेशन ये होगा राकेश मीना का भाई है, तो कुछ नहीं करेंगे, राकेश को यहां पे ले लेंगे, राकेश, यहां पे डॉट 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 लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे मीना,
ये दोनों रिलिश्ता देखो, ये वाला जो ये कंसेप्ट जो डॉटेड लाइन का है, ये डॉटेड लाइन शो करेगा कि दोनों आपस में भाई भाई है, भाई बहन है या बहन बहन है, वो हम लोग नाम से पकड़ेंगे। राकेश ऑब्वियसली लड़का का नाम है, मीना लड़की का नाम है, नाम से पकड़े जाएंगे। एक आध केस ऐसा होगा जहां नाम में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि नाम ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों का सेम नाम होता है। ओवरऑल ऐसा बहुत ही कम होता है, ब्लड रिलेशन में आपको ये सब का कोई भी लफड़ा नहीं होने जा रहा है। तो राकेश मीना का भाई है, तो राकेश डॉटर करके हम लोग इसको मीना कर लिए और ये क्रिएट हो गया। अर्थात ब्लड रिलेशन के दूसरे रूल्स पे छात्रगण, दूसरा पड़ाव मेरा यही था कि भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए खंडित रेखा यानी डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर हमने इसका प्रयोग कर लिया। अब आ जाइए आपको रूल नंबर 3 पे, दोनों रूल याद हो गया एकदम अच्छी तरह से। रूल नंबर 3 पर अब आपको ले चलेंगे फटाक से। मजा आ रहा है ना अभी? मजा क्या, अभी ब्लड रिलेशन पर आपको मास्टर बनाएंगे, मास्टर। और 5 मिनट के अंदर ही टॉपिक आपको खत्म करवाएंगे छात्रगण, पूरे क्लास में याद रखिएगा। आइए आपको रूल नंबर 3 की ओर लेकर के चलेंगे छात्रगण, और थर्ड रूल हमारा क्या कहता है वो आपको दिखाते हुए चलेंगे। रूल 3 अब आ जाता है, देखिए पति पत्नी के रिश्ते को, बस ब्लड रिलेशन का यही 3 रूल है, माता पिता वाला, भाई बहन वाला और पति पत्नी वाला। रूल नंबर 3 कहता है, देखिए कई नाम से रहता है, स्पाउस, पति पत्नी, कोई भी वर्ड रहे, कपल, कुछ भी रहे, आपको घबराना नहीं है, सभी पति पत्नी की बात हो रही है। तीनों में से कोई भी वर्ड आपका रहे, चाहे वो स्पाउस वर्ड रहे, चाहे वो पति पत्नी का वर्ड रहे, चाहे वो कपल का वर्ड रहे, कोई भी वर्ड रहे, तीनों के केस में आपको याद रखना है। तो रूल नंबर 3 कहता है, स्पाउस, पति पत्नी, कपल के रिश्ते को दिखाने के लिए दोहरी क्षैतिज रेखा, इस तरह से है ना, ऐसे करके ये होगा डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, दोहरी क्षैतिज रेखा खींचा जाता है या का प्रयोग किया जाता है। तो स्पाउस, पति पत्नी, कपल के रिश्ते को दिखाने के लिए दोहरी क्षैतिज रेखा, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग किया जाता है या खींचा जाता है, कुछ भी लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हो गया रूल नंबर 3। अब एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं फटाक से। एग्जांपल कहता है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स जो है दोनों को दिखाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। देखिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी 3 लाइन हम लोग पढ़े हैं ब्लड रिलेशन में, हम लोग 3 लाइन पढ़े हैं, और क्वेश्चन जो होगा वो तीनों रिलेशन को मिला करके पूछेगा, इसलिए बहुत अच्छा से समझिएगा कि चैप्टर क्या कह रहा है। अभी केवल आपने फैमिली ट्री में 3 रूल सीखा है। यहां कहता है कि एक्स वाई की पत्नी है। इसमें सबसे मजेदार आपको क्या लगने जा रहा है कि यहां पर कौन लड़का और कौन लड़की है, यह आपको पता चल जाएगा, which is who is girl and who is boy, ये आपको पता चल जाएगा। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वो वाई की क्या है, पत्नी, तो ये लड़की हो गई, ये तो ऑब्वियसली गे रिलेशनशिप तो चलता नहीं है ब्लड रिलेशन में, हम लोग का प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रगण, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो सी इज ए गर्ल एंड दैट इज अ बॉय, तो ये कंसेप्ट है, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो ये पूरा कहानी है छात्रगण रूल नंबर 3 के रिस्पेक्ट में। स्पाउस, पति पत्नी, कपल के रिश्ते को दिखाने के लिए दोहरी क्षैतिज रेखा, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग किया जाता है या खींचा जाता है। क्लियर हो गया? तो अभी तक आपको 3 रूल्स हमने अभी तक पढ़ाया है। रूल नंबर 1 था माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते को दिखाने के लिए स्लैंटिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है, तिरछी रेखा का। उसके बाद भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए खंडित रेखा का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए दोहरी क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इन 3 रूलों को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, और इतना के बाद अब आपको एक खाली छोटा सा रूल है, रूल नंबर 4, और इसके बाद पूरी फैमिली ट्री के रूल भी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आइए आपको सीधे रूल नंबर 4 पर एक आपको लेकर के चलते हैं, और रूल नंबर 4 क्या कहता है वो आपको बताते हैं। तो देखिए रूल 4 की जो कहानी है छात्रगण, रूल नंबर 4 कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पर है, मेल को दिखाने के लिए आप प्लस चिन्हों का प्रयोग करेंगे और फीमेल को दिखाने के लिए माइनस चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यानी कि पुरुष के लिए प्लस चिन्ह और महिला के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वो जैसे ही प्रश्न आएगा आप इसको बनाते हुए चलेंगे।
तो हमने अभी तक आपको पूरे ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री का निर्माण करना सिखाया। आपने अभी तक यह सीखा कि ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री में सिर्फ चार रूल सर ने बताया है। पहला रूल कहता है छात्रगण कि माता पिता तथा बच्चे के रिश्ते जहां भी क्वेश्चन में रहे, माँ बाबू जी बच्चा जहां रहे, सीधे आपको तिरछी रेखा खींच देना है। जहां भाई भाई, भाई बहन बहन भाई का रिलेशन रहे, वहां पे आपको डॉटेड लाइन खींच देना, खंडित रेखा, और उससे रिलेशन आपको ढूंढना है। जहां पति पत्नी स्पाउज का रिलेशनशिप रहे, वहां पर आपको दोहरी क्षैतिज रेखा, जो अभी जस्ट बताया था, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, उसको खींच देना है। और उसके बाद पुरुष के लिए प्लस चिन्हों का प्रयोग करिएगा और महिला के लिए माइनस चिन्हों का प्रयोग करना है। फॉर द पुरुष फॉर द मेल वी विल यूज द पॉजिटिव साइन एंड फॉर द फीमेल वी विल यूज द नेगेटिव साइन। इन चार नियमों के सहारे, इन चार रूल्स के सहारे छात्रगण बहुत ही आसान तरीके से हम सब ब्लड रिलेशन में मास्टर बन सकते हैं छात्रगण। इस चीज का आप एकदम हमेशा से याद रखेंगे। तो आइए अब आपको इन चारों रूलों से रिलेटेड, इन चार रूल के खींचने के बाद उम्मीद करते हैं कि फैमिली ट्री पे आपको थोड़ी पकड़ बनी होगी। अब इन चारों रूल को कैसे कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसके यूजेस करने हैं, इन चारों रूलों को एक प्रश्न के माध्यम से आपको लेकर के चलते हैं। तो आइए आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं और आपको एक सीधे सीधे एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो छात्रगण ब्लड रिलेशन के नियमों के उपरांत, रूल्स के उपरांत, हम सब अपने पूरे प्रश्न मोड पर आ गए हैं और टाइप नंबर वन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही कहा कि इस चैप्टर पे कुल आपको चार टाइप पढ़ाए जाएंगे, चार टाइप यानी कि चार लेक्चर, चार टाइप यानी कि चार क्लास आपको दिए जाएंगे। टाइप वन की शुरुआत कर रहे हैं क्लास में, जम के प्रैक्टिस कराएंगे टाइप वन पे। आज की पूरी क्लास टाइप वन पर अभी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। डी बी का भाई है, देखिए प्रश्न क्या कहता है, डी जो है वो बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है, बी का टी से क्या संबंध है। बस देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये तो मायने रखता है, सबसे बड़ा मायने रखता है ये लास्ट का एरिया, ये वाला एरिया कि बी का टी से क्या संबंध है। आपको सीधे सीधे यही पे बच्चा कंफ्यूज करता है कि बी का टी से रिश्ता पूछ रहा है या टी का बी से रिश्ता पूछ रहा है, यहीं पे बच्चा कंफ्यूजन राउंड है। इस कंफ्यूजन राउंड को एकदम तुरंत पहले अपने मन से निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए, आज के बाद से आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लास्ट में आपका जो कुछ भी लिखा हुआ है ये देखिए यहां पर, यहां सीधे एक वर्ड जोड़ लीजिए, क्या कहेगा, व्हाट ही विल से और सी विल से, क्या कहेगा। अर्थात प्रश्न के जो लास्ट में, जो अंतिम में जो टी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा रहा है हमको मतलब नहीं, उस पर आपको एक बिंदु जोड़ लेना है, क्या कहेगा। अर्थात जब आप आंसर देंगे तो आपका आंसर होना चाहिए टी जो है वो बी को क्या कहेगा, ये आपका उत्तर निकल करके आना चाहिए छात्रगण। तो सीधे सीधे बच्चा पहले प्रश्न से कुछ सीखे कि प्रश्न अपने आप में क्या चीज बयां कर रहा है, तो वो प्रश्न वही कहेगा कि बी का टी से क्या संबंध है। तो जो सबसे लास्ट में लिखा रहे, जो टी जो सबसे लास्ट में लिखा रहे, वहां पर आपको जोड़ देना है क्या कहेगा। बस उस चीज को ध्यान में रख करके अब बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में कामयाब हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या कामयाब हो जाएंगे। तो एकदम ये क्लियर हो गया। सबसे पहले कभी भी ब्लड रिलेशन में डबल रिलेशनशिप नहीं होता, भाई भाई बहन बहन पति पत्नी, कोई एक रिश्ता होगा, चाहे पति होगा चाहे पत्नी, या फिर या के रूप में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। तो वो एकदम माइंड पे रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रश्न के प्रारूप क्या है, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो ये पूरा कहानी चला बी का टी से क्या संबंध है, सबसे लास्ट वाला का जो लेटर है उस लास्ट वाले लेटर पर आपको लिख देना है क्या कहेगा। पंच क्लियर है, चलिए अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, रेडी फैमिली ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं छात्रगण। डी बी का भाई है, आपको मैंने पहले बताया कि भाई के रिश्ते को दिखाने के लिए आपको क्या करना है, खंडित रेखा का प्रयोग करना है। डी बी का भाई है, हो गया, डी बी का भाई है। अब देखो सबसे पहले बच्चा इसमें क्या करेगा, पुरुष और महिला एकदम देते हुए चलेगा, डी जो है वो बी का भाई है, तो डी हो गया भाई किसका, बी का, डॉटेड लाइन से दिखा दिए, डी को पुरुष दिखा रहा है, प्रश्न ही डी को पुरुष दिखा रहा है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, तब स्केच करने में और थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसमें, है ना, हाँ, ताकि सभी बच्चा को डी
बी का भाई, प्लस कर दिए यहाँ पर। प्रश्न बोलिए एकदम क्लियर हो गया है। भाई भाई के रिश्ते को दिखाने के लिए खंडित रेखा का प्रयोग किया जाता है, इस कारण चूंकि प्रश्न बोल रहा है डी जो है वो बी का भाई है, डी बी का भाई है, कर दिए। इसके ऊपर क्या चीज का चिन्ह डाले, प्लस का क्यों डाले, क्योंकि आपको जस्ट बताया गया है कि पुरुष के लिए प्लस चिन्हों का प्रयोग और महिला के लिए माइनस चिन्हों का प्रयोग। चूंकि बी का सेक्स पता नहीं चल पा रहा है, बी का जेंडर नहीं पता चल पा रहा है कि बी है क्या, पुरुष है कि महिला है, इसलिए उसको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे। एकदम यहाँ पर बी का एकदम क्वेश्चन मार्क का डाल दीजिए कि बी का सेक्स पता नहीं चल रहा है, बी पुरुष है कि महिला है, इसलिए एकदम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। एम बी का भाई है, एम किसका भाई है, बी का भाई है, तो बी के साथ सटाते हुए एम को ले चलेंगे, एम बी का भाई है और एम को प्लस कर देंगे क्योंकि एम का रिलेशन दे रहा है। एम जो है वो देखिए कॉमा लगाया है, प्रश्न पे एकदम गौर करते हुए चलेंगे छात्रगण, एम के पास कॉमा है, कह रहा है कि एम जो है वो बी का भाई है, तो एम जो है वो बी का भाई हो गया, प्लस चिन्ह डाल दिए। के एम का पिता है, के किसके पिता है, एम के पिता है। आप बताइए बाऊजी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो के किसके पिता हो गए, एम के पिता हो गए, तो के को यहाँ प्लस डाल दीजिए और कहिए के जो है वो एम के पिता हो गए। अब ध्यान लगाइए यहाँ पर, देखिए आपको ये इतना तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, आगे भी है क्वेश्चन लेकिन वो बाद में बढ़ेंगे। सिंपल अब ध्यान लगाइए, जब के एम के पिता है तो बताइए ये बी के पिता होंगे कि नहीं होंगे, ये डी के पिता होंगे कि नहीं होंगे, एकदम होंगे, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, भाई बहन है, या भाई भाई है, या बहन भाई है। तो जब के एम के पिता हैं तो ये तो बी के भी पिता हुए, ये तो डी के भी पिता हुए, हुए या नहीं हुए, जल्दी बताइए, बिल्कुल हुए। तो के जो है वो एम बी और डी वो तीनों के फादर हुए छात्रगण। प्रश्न आगे बढ़ा और कहता है टी जो है वो के की पत्नी है, आगे बढ़ाइए टी को, टी जो है वो के की पत्नी है, तो पत्नी के लिए हम लोग डबल हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, टी के की पत्नी हो गई, हो गई। अब चूंकि ये पापा का जब ये सब बच्चा है तो बताइए ये अपनी माँ का भी बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है, तो यानी माँ के लिए भी सबके साथ ये रेखाएं खींच देंगे। अब ये पूरा क्वेश्चन आपका बन करके रेडी हो चुका, आप कोई भी प्रश्न पूछने दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम अभी हम दो तीन बार समझाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। ओके, प्रश्न कहता है कि बी का टी से क्या संबंध है, मतलब टी क्या कहेगा बी को, तो बताइए टी जो है वो बी को क्या कहेगा, ये रिश्ता काचिक देता है बाप बेटी का, तो टी जो है वो बी को क्या कहेगा। देखिए बी का जेंडर हम लोग को नहीं पता है, तो चाहे ये हो गया पुत्र या फिर क्या हो गया पुत्री, इधर सन और डॉटर, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीन, पुत्र या पुत्री, हो गया कहानी खत्म हो गया। तो कितना आसान है छात्रगण की ब्लड रिलेशन का पूरा फॉर्मूला सीख जाइए, ब्लड रिलेशन का फॉर्मूला सीखने के बाद उसको खाली पिरोना सीखिए, अरेंजमेंट करना सीखिए कि यहाँ पर देखिए के जो है वो एम का पिता है भाई, तो वो बी का भी पिता होगा, डी का भी पिता होगा, और साथ ही साथ टी के साथ इसकी शादी हुई थी, तो दोनों का मैचअप करवा दीजिए और उसके आधार पर रिलेशनशिप प्रस्तुतिकरण कर दीजिए। छात्रगण ये पूरी कहानी चलती है ब्लड रिलेशन का, एकदम ध्यान से फिर एक बार प्रश्न को देखिए, कहता है डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, हमने खंडित रेखा से भाई भाई के रिश्ते को दिखा दिया, डी का जेंडर डी का सेक्स पता है कि डी भाई है अर्थात उस पर प्लस चिन्ह लगा दिए, बी का जेंडर नहीं पता था उसको छोड़ दिए, साथ ही साथ एम बी का भाई है, एम जो है वो बी का भाई है, तो बी से डॉट डॉट दे करके एम को रख दिए और एम के पास प्लस चिन्ह चला गया, अर्थात एम जो है वो बी का भाई बन गया। प्रश्न आगे चलता है के एम का पिता है, हमने आपको पहले ही कहा कि बाऊजी माता पिता को हमेशा बच्चों के ऊपर रखा जाएगा, बाऊजी को ऊपर रख दीजिए, के को ऊपर रख दीजिए और एक स्लैंटिंग लाइन खींच दीजिए, तिरछी रेखा जो आपको मैंने बताया है कि बाल बच्चे बच्चे माता पिता तथा बच्चे के रिश्तों को दिखाने के लिए तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो एक तिरछी रेखा का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पे प्लस चिन्ह डाल दीजिए। अब यहीं पर रिलेशन खोजिए, जब ये के जो है वो एम का पिता है तो ये बी का भी पिता होगा, ये डी का भी पिता होगा ऑब्वियसली। साथ ही साथ प्रश्न और आगे बढ़ता और कहता है टी के की पत्नी है, टी जो है वो के की पत्नी है, तो इन दोनों को रिश्ता दिखा दीजिए। इस प्रकार से ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गया, जब ये बाप का बेटा है तो माँ का भी बेटा होगा, सभी को माँ के साथ रिश्ता दिखा दीजिए। अब प्रश्न पर चले आइए, बी का टी से क्या संबंध है भाई, तो हमने पहले बताया कि जो लास्ट में लिखा हुआ रहे उससे पूछे कि वो क्या कहेगा, तो टी क्या कहेगा, तो टी इसको क्या कहेगा, तो चाहे पुत्र या पुत्री कहेगा। देखिए कितना आसान है छात्रगण, बस केवल आपको ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। ये एरिया पर आपको बस देखिए, ये एरिया जो आप देख रहे हैं इस एरिया पर आपको काम करना आना चाहिए, साथ ही साथ प्रश्न बनाने के साथ ही साथ आपको पुरुषों के लिए प्लस चिन्हों का प्रयोग और महिला के लिए माइनस चिन्हों का प्रयोग साथ ही साथ करते हुए चलना चाहिए, और तभी जाकर के आप इस चैप्टर पर अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं।
तो ये रहा मेरा पहला पड़ाव का क्वेश्चन। आज बारी है पूरा टाइप वन पर आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करने का। आइए आगे की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। छात्रगण, सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू, दया का भाई अनिल है। एकदम फटाफट एकदम काम करेंगे यहां से। दया का भाई अनिल है, दया का भाई अनिल है, दया चंद्र का पुत्र है। दया किसका पुत्र है? फिर देखिए नीचे हो जाता है थोड़ा सा ना, हाँ ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है इसे प्रश्न पे, थोड़ा सा बोर्ड में नीचे ही लिख चले। दया का भाई अनिल है, दया का भाई अनिल है। देखिए दया और अनिल दोनों पुरुष हो जाएगा, ठीक है, प्लस चिन्ह लगाते चले जाइएगा। दया चंद्र का पुत्र है, दया किसका पुत्र है? चंद्र का। तो दया जो है वो चंद्र का पुत्र है, तो चंद्र कहाँ जाएगा? ऊपर। मैंने पहले ही बताया था कि माता पिता को हमेशा ऊपर रखना है, चंद्र भी प्लस हो जाएंगे। दया चंद्र का पुत्र है, फिर यही दिमाग लगा लीजिए, जब दया जो है वो चंद्र का पुत्र है तो अनिल भी तो चंद्र का पुत्र होगा। तो ये लाइन यहाँ खींच लीजिए, यही सब काम आपको केवल ब्लड रिलेशन के अंतर्गत में करना है। छात्रगण, दया चंद्र का पुत्र है तो अनिल का भी तो पुत्र हो गया, दया चंद्र का पुत्र हो गया है। बीमल चंद्र का पिता है, बीमल किसका पिता है? चंद्र का। तो बीमल हो गया चंद्र का पिता, बीमल जो है वो चंद्र का पिता हो गया, ठीक है ना। बीमल जो है वो चंद्र का क्या हो गया? पिता हो गया। अनिल का अबस हो गया, कहानी खत्म। अनिल का बीमल से क्या रिश्ता है? अनिल का बीमल से क्या रिश्ता है? लास्ट वाला में पहले बता दिए थे आपको, कुछ नहीं करना है, क्या कहेगा, जो भी लास्ट में लिखा हुआ रहे, जो कुछ भी लिखा हुआ रहे, वो लास्ट वाला में आपको लिख देना है बीमल क्या कहेगा। तो बीमल जो है वो अनिल को क्या कहेगा? तो बीमल देख लीजिए, बीमल अनिल का बीमल से क्या रिश्ता, मीन्स बीमल क्या कहेगा। तो बीमल इसको क्या कहेगा? बेटा। और बेटा का बेटा को क्या कहेगा? पोता। तो आंसर आपका क्या हो गया? पौत्र। तो देख लीजिए कितने आसान तरीके से छात्रगण आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व कर पाने में कामयाब हो रहे होंगे। आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि वाह, हमें तो एक 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 जादू की छड़ी मिल गई, जादू की झप्पी मिल गई हमें कि हम फटाक से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। तो बेसिकली पूरी टाइप वन की कहानी बिल्कुल यही है छात्रगण, कि क्वेश्चन इसी आधार पर यहाँ पर दौड़ता हुआ नजर आता है। दया का ये कोई भी प्रश्न पूछे, बस खाली इस लेवल पर, मैंने पहले ही कहा ये फैमिली ट्री का जो एरिया है इस पर बच्चा कमांड करे, सेक्स वो एकदम जानता हो कि पुरुष और महिला किसको कहा जाता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा रिश्ता जानता हो कि पोता पोती सब किसको कहा जाता है, वो इस चैप्टर पे बहुत अच्छा कर सकता है, मैं इसका दावा करता हूं। छात्रगण, आइए अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। छात्रगण, तो छात्रगण अगले पड़ाव पर आपको लेकर के हम आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। राहुल की मां मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। देखिए जहां पर ये मात्र वर्ड रहता है ना, उस पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। आपको मैं पहले क्लू दे देता हूं, जहां भी ये एकमात्र वर्ड रहे वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मोनिका का पति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ओके, चलिए देखते हैं। राहुल की मां, एकदम पहले फटाक से राहुल की मां बना लेंगे, एकदम प्यार से राहुल की मम्मी, राहुल की मां बना लेंगे। मां बाबू जी हमेशा ऊपर, राहुल की मां है, नेगेटिव हो गई, ये प्लस हो गया। जो प्रश्न बोलता, मैं तो कई बार बच्चा जैसे प्रश्न बोलता वैसे काम करिए। माँ बाबू जी को आप ऊपर रखते हैं, ऊपर रख दीजिए, लाइन स्लैंटिंग खींच लीजिए, सीधा भी खींचेगा तो कौन आपका स्केच देखने जा रहा है? आपको तो सिर्फ समझना है। तो राहुल की मां मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। लो अभी मोनिका यहां पर आ गई, एक नया जन्म ले लिया, तो चलिए मोनिका ले लेते हैं यहां पे। मोनिका के पिता, इसके पिता को ले लेते हैं, मोनिका के पिता ले लेते हैं, ये प्लस हो गएंगे, मोनिका माइनस हो गई। मोनिका के, देखिए अब क्या कहता है, राहुल की जो मां है वो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है, अरे बाबा, तो ये इसकी मां हुई कौन? राहुल की मां कौन हुई? खुद मोनिका ही ना हुई, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। ये एकमात्र पुत्री है मोनिका के पिता की, तो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री यानी ये हुई कौन? मोनिका ही ना हो गई, ये हुई कौन? मोनिका। तो ये कहने का कहानी खत्म हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं रहा क्वेश्चन में, पूछा रिलेशन। तो ये हो गया मोनिका के पिता की ये एकमात्र पुत्री है, यानी ये खुद मोनिका है। राहुल की जो मां है वो खुद क्या है? मोनिका है। क्लियर हो गया ना? राहुल की जो मां है वो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री मतलब क्या? अकेला, यानी खुद की खुद मोनिका यहां पर है। राहुल की जो मां है वो कौन है? मोनिका है। मोनिका का पति
अब आता है मोनिका का पति, तो यहाँ पे मोनिका का पति क्रिएट कर लीजिए, मोनिका का पति बन गया, यहाँ पे पति बन गया, प्लस चिन्ह ले लीजिए, फटाक से यहाँ नीचे लाइन खींच दीजिए, क्योंकि ये इसकी माँ है तो ये इसके पापा हो जाएंगे। मोनिका का पति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि राहुल क्या कहेगा, सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है, पहले ही बताएं जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ उसको, तो राहुल क्या कहेगा, तो राहुल इसको क्या कहेगा, फादर यानी कि पापा, तो राहुल इसको क्या कहेगा, पापा। ऑप्शन जोड़ेंगे, यद देखिए ऑप्शन मेरा खड़ा है पिता का, और फटाक से बच्चे आंसर अपना मार लेंगे। तो चंद सेकंडों में छात्र ने ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, मतलब दो दो मिनट यहां पर सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो कितना आसान है छात्र, आप देख सकते हैं, अभी एकदम प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ रहा होगा आपको, कितने बस दो से तीन स्टेप हम जाते हैं और तीन स्टेप में प्रश्न का जवाब मिल जाता है। सात संबंध दिया रहे, संबंध ना दिया रहे, कोई मतलब नहीं, रिलेशन ढूंढने का प्रयास कीजिए। वही जैसे एकमात्र जो वर्ड होता है ना, एकमात्र वगैरह, उस सब पर विशेष रूप से बच्चों को फोकस करना चाहिए, उस एकमात्र वर्ड से ही सब सारा चीज निकाला जा सकता है ना। चलिए आगे की ओर लेके चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर फिर आपको उन्मुख करेंगे। तो छात्रगण, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर चार आपके पास में है, दीपक रवि का भाई है, एकदम करते चले जाएंगे, दीपक रवि का भाई है, दीपक जो है रवि का भाई है, नाम से ही दोनों प्लस चिन्ह हो जाएगा, रेखा अतुल की बहन है। आप देखिए यहां पर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीपक रवि का भाई है। अब जो प्रश्न था वो प्रश्न ना तो मेरा रवि से आगे बढ़ रहा है ना तो मेरा दीपक से आगे बढ़ रहा है, इन दोनों रिलेशन को यहां पर तोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। अब प्रश्न अलग कहानी कहता है कि रेखा अतुल की बहन है। अब देखिए इसके लिए आपको सलाह दिया जाता है, चाहे जब रिलेशन तोड़ दिया जाए, जब इन दोनों को पकड़ करके क्वेश्चन आगे ना बढ़े, तो चाहे उस रिश्ते को नीचे पे बना लीजिएगा या ऊपर बना लीजिए, जहां पे कन्वीनियंट आपको लगे। फिर देखिएगा अगर ऊपर रखने पर दिक्कत हो रहा है तो नीचे कर लीजिएगा, बाएं दाएं मत रखिएगा, बस ऊपर या नीचे पर ही इसको बनाइएगा। रेखा अतुल की बहन है, रेखा रेखा अतुल की बहन है, भाई बहन के रिश्ते को डॉटेड लाइन, रेखा पे माइनस, अतुल पे प्लस, एकदम माइनस प्लस कभी नहीं भूलना है, अगर जहां भूले, हालांकि ये तो नाम है आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, लेकिन एक्स वाई वाले क्वेश्चन में माइनस प्लस देने पर आपको बहुत बहुत आसान होता है। रवि रेखा का पुत्र है, रवि जो है वो किसका पुत्र है, रेखा का। आप देख लीजिए गड़बड़ाया ना, आप क्या करेंगे, देखिए रवि को माँ बाबूजी तो हमेशा ऊपर रहते हैं, तो ये वाला को उठा करके ऊपर लिख लीजिएगा, होगा ऐसा ऐसा कभी, बस मैंने वही कहा, चाहे ऊपर या नीचे। तो रेखा यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेंगे, अतुल, अतुल यहाँ पे अतुल क्या हो गया, प्लस चिन्ह हो गया, ये माइनस हो गया। नीचे वाला ज्यादा जिगजैग मत करिएगा, इसको सीधे यहाँ पे मिटा दीजिएगा। ये काम कब करना है, ऊपर और नीचे कब लिखना है, जब आपका रिलेशन तोड़ दिया जाए। यहाँ पे दीपक और रवि के साथ रिलेशन नहीं था, ये अलग कहानी कह रहा था रेखा और अतुल का, तो रवि रेखा का पुत्र है, हो गया। अब रवि किसका पुत्र है, रेखा का। तो अब यहां से कर लीजिए, रवि रेखा का पुत्र हो गया। अब यही ध्यान लगाइए, दीपक और रवि दोनों आपस में भाई है, जब रवि की ये रेखा माँ है तो ये तो दीपक की भी माँ हुई, हुई कि नहीं भी बताइए। यही सब आपको केवल काम करना होता है, कहानी खत्म हो गया। दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है, तो दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है, मतलब दीपक का रेखा से क्या, मतलब रेखा क्या कहेगी, हाँ यही चीज ध्यान रखना, रेखा क्या कहेगी। जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता, मैंने आपको पहले कहा कि जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उससे रिलेशन निकाले, रेखा दीपक को क्या कहेगी। क्या कहेगी, पुत्र कहेगी। तो इस प्रकार से छात्रगण कितना आसान सा प्रश्न हो जाता है और कितना इजी वे में हम सब प्रश्नों को हल कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये पूरा खाका है छात्रगण टाइप नंबर वन का, ब्लड लेसन की ये पूरी कहानी है छात्रगण, जो कि हमारे बीच में चला करती है, चलती है, और इसी के आधार पर हम पूरे ब्लड लेसन को बैठाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन चार प्रश्नों के अलावा बाकी हम टाइप वन पर और भी कई क्वेश्चन डाल दे रहे हैं छात्रगण, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से एकदम हम लोग इसमें करा देने का प्रयास करेंगे, चलिए आगे की ओर लेके चलते हैं। तो छात्रगण टाइप नंबर वन के प्रश्न नंबर पाँच पे देख रहे हैं, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, प्रश्न है। चलिए एकदम काम, कुछ प्रश्न तो देखा मत कीजिए, बस सीधे अपना बढ़ जाए कीजिए। ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन हो गई,
आप देखिए बी क्या है ये आप नहीं कह सकते हैं, ये भाई भी तो बोल सकता है कि बहन है और ये बहन भी तो बोल सकता है कि बहन है, इसलिए बी का जेंडर नहीं पता हुआ, बी का सेक्स नहीं पता हुआ, बी को एकदम छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। अस्पष्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए पर देखिए कॉमा लगा रहा है, ए को स्ट्रेस डाल रहा है, ए जो है वो बी की बहन है, तो ए जो है वो बी की बहन हो गई, सी जो है वो बी की माँ है, आप देख लीजिए सी जो है वो बी की माँ है, तो यहाँ पे सीधे सी को ले जाइए, यहाँ पे माँ कर लीजिए इसको, आप देखिए जब ये बी की माँ हुई थी तो ए के भी माँ हो गई। मैं यही काम करता हूँ, मुझे जहां नजर आता है कि ये रिलेशन को टच कर लो मैं रिलेशन टच कर देता हूँ। डी सी के पिता है, डी जो है सी के पिता, यानी कि एक स्टेप और मेरा क्वेश्चन चला गया, डी जो है सी के पिता हो गए, डी सी के पिता हो गए, ई डी की माता है, अरे बाप एक और चला गया, ई जो है वो डी की माता है, अगर आपको बोर्ड दिख पा रहा होगा तब ई हम मुझे माफ करिएगा, ई डी की माता है यानी कि माइनस, ई डी की माता हो गई, दिख रहा है ना पूरा बोर्ड, हाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, ई डी की माता है हो गया। अब सवाल कहता है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या, मतलब वो तो झूठ मूठ का दे दिया आपको फंसाने के लिए, बस यहीं से यहीं तक, ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब डी क्या कहेगा, डी क्या कहेगा किसको, ए को, तो देखिए डी इसको क्या कहेगा, बेटी, अब बेटी के बेटी को क्या कहा जाता है, बेटी के बेटी को क्या कहा जाता है, बेटी के बेटी को नतनी कहा जाता है, और यहां पर आपका नतनी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चार। तो देखिए छात्रगण कितना आसान तरीके से, देखिए फैमिली ट्री नंबर एक, फैमिली ट्री नंबर दो, और ये फैमिली ट्री और ये फैमिली ट्री, बस इस फैमिली ट्री का यूज करते हुए ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में हम सब कामयाब रहे। तो पूरी ब्लड रिलेशन एक ऐसे ही सुंदर गाथा कहता है छात्रगण, एक सुंदर कहानी कहता है, जिसके सहारे हम सब जो है बहुत अच्छा कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए, ये कहा जाना चाहिए कि अगर हम सब इस प्रकार से ब्लड रिलेशन को पकड़ बना करके चले, ब्लड रिलेशन को इसी आधार पर हम सब लेकर के चले, तो आप मान करके चलिए कि ये चैप्टर आपका अपना हो रहा है और आप गजब के परफॉर्मेंस इस चैप्टर पे करने जा रहे हैं। और परीक्षा, रेलवे की परीक्षा के लिए तो दो क्वेश्चन एकदम, एक से दो क्वेश्चन छापा हुआ रहता है छात्रगण, बैंकिंग की तो बात ही ना करें, बैंकिंग का तो ये सब आत्मा है चैप्टर, एसएससी के लिए तो आत्मा है ये सब चैप्टर। तो ओवरऑल पूरे ब्लड रिलेशन आपको जो है रीजनिंग चैप्टर में दो नंबर दिला पाने में कामयाब होता है छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि आज टाइप नंबर वन पर आपकी पूरी कमांड हासिल हुई होगी, कल की क्लास में हमारी शानदार मुलाकात होगी जहां पर हम टाइप नंबर दो लेकर के आएंगे और उस दूसरे टाइप के सहारे आपको जो है ब्लड रिलेशन को बहुत बहुत अच्छा कराने का प्रयास करेंगे। तो कल की क्लास पूरी तरह से रेलवे बेस्ड क्लास होगी, जो कि रेलवे में ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछने का तो आप कल हर एक जगह पूछा जाता है, लेकिन स्पेशली वो सब क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के चैप्टर के द्वारा रेलवे में पूछे जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तब तक के लिए कल पुनः मिलते हैं एक छोटे से किटकैट ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय, कहीं भी रहिए बहुत ही मजे में रहिए, बाय।